नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 28, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 28 में देखिए, आपके सामने चैप्टर नंबर 28 आ गया है, नेशनल इंसिजिनिया सिंबल। तो नेशनल इंसिजिनिया और सिंबल्स क्या है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग इटीसी। तो इसके बारे में पूछा गया 28 नंबर चैप्टर में। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र। तो हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र, अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र, अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 32। तो वन का राइट आंसर ऑप्शन में सी 24। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एलिमेंट टाइगर ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एलिमेंट टाइगर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए पैंथेरा लियो, ऑप्शन बी पैंथेरा टिग्रिस, ऑप्शन सी एलिफास इंडिकस, ऑप्शन डी बोस डोमेस्टिकस। तो टू का राइट आंसर ऑप्शन में बी पैंथेरा टिग्रिस। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल एलिमेंट टाइगर ऑफ इंडिया, पैंथेरा टिग्रिस। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी लोटस, ऑप्शन सी लिली, ऑप्शन डी सनफ्लावर। तो थ्री का राइट आंसर है ऑप्शन में बी लोटस। तो व्हाट इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस। क्वेश्चन नंबर फोर है, वेन वॉज जनगण मना विच लेटर बिकेम नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट संग एंड वेयर। तो वेन वॉज जनगण मना विच लेटर बिकेम नेशनल एंथम ऑफ इंडिया फर्स्ट संग एंड वेयर। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 अलाहाबाद, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 दिल्ली, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1942 इन कलकत्ता, ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 इन कलकत्ता। तो फोर का राइट आंसर ऑप्शन में डी 27 दिसंबर 1911 इन कलकत्ता में। तो वेन वॉज जन गण मन विच लेटर बिकेम नेशनल एंथम ऑफ इंडिया फर्स्ट संग एंड वेयर। तो ऑप्शन डी है 27 दिसंबर 1911 इन कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ए नेशनल रिवर। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ए नेशनल रिवर। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ए नेशनल रिवर। तो फाइव का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल एंथम। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल एंथम। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। पहला आपका है, इट वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। और स्टेटमेंट थ्री है, प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इज अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड। तो आपका कौन सा इसमें सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तो इट वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सही है। और इट वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। और थर्ड आपका, प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इज अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको देखना स्टेटमेंट और बताना है कौन सा इसमें सही गलत है, ठीक है। तो पहला है आपका सेवन का, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया 22 जुलाई 1947। दूसरा स्टेटमेंट है, द व्हील इन नेशनल फ्लैग हैज 24 स्पोक्स। और स्टेटमेंट थ्री है, द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1 एंड 3, ऑप्शन सी 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो सेवन करेक्ट आंसर है ऑप्शन में डी 1, 2, 3। तो डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। द व्हील इन नेशनल फ्लैग हैज 24 स्पोक, ये भी सही है। द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3। क्वेश्चन नंबर एट है, हु सैंग सारे जहां से अच्छा
हिंदू सदा हमारा ऑफ इकबाल एंड जनगण मन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन द सेंट्रल असेंबली एट द मिड नाइट ऑफ 14th अगस्त 1947। तो वो सेंग सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सदा हमारा ऑफ इकबाल एंड जनगण मन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन द सेंट्रल असेंबली एट मिड नाइट ऑफ 14th to 15th अगस्त 1947। तो ऑप्शन ए रामेश्वरी नेहरू, ऑप्शन बी मीराबेन, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी एम एस सुब्बालक्ष्मी। तो एट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एम एस सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, तो एम एस सुब्बालक्ष्मी सैंग सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा ऑफ इकबाल एंड जनगण मन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन द सेंट्रल असेंबली एट द मिड नाइट ऑफ 14th 15th अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको बताना है इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा स्टेटमेंट है सही नहीं है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज बाई बंकिम चंद्र चटर्जी ओरिजिनली इन बंगाली। तो ये आपका पहला गलत है। ठीक है, तो ये आपका नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत नहीं है। ठीक है, आपका बी सी डी सही है। तो द सॉन्ग ऑफ जनगण मन कंपोज ओरिजिनली इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर वाज अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950 एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन साका एरा हैज इट्स फर्स्ट चैत्र ऑन 22nd मार्च नॉर्मली एंड 21st मार्च इन ए लीप ईयर। द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन साका एरा हैज इट्स फर्स्ट चैत्र ऑन 22nd मार्च नॉर्मली एंड 21st मार्च इन ए लीप ईयर। और इसका थर्ड है, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22nd जुलाई 1947। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22nd जुलाई 1947। 10 है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो विच इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए धर्म चक्र, ऑप्शन बी स्टार एंड क्रिसेंट, ऑप्शन सी लायन एंड स्वॉर्ड, ऑप्शन डी द ग्रेट वॉल। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धर्मचक्र। व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, धर्मचक्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल बर्ड पीकॉक ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड पीकॉक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए पाबो क्रिस्टेटस, ऑप्शन बी कुकुली फॉर्मर, ऑप्शन सी है कॉर्बोरस कोरोने, ऑप्शन डी है फॉर्म्स। ठीक है, तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड पीकॉक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाबो क्रिस्टेटस। ठीक है, तो इसका नाम है साइंटिफिक नेम पीकॉक का। क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्लावर लोटस ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल फ्लावर ऑफ लोटस ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए नेलम्बो न्यूसीपेरा गैरेटिन, ऑप्शन बी है टैगेटस इरेक्टा, ऑप्शन सी है लिलियम मैकेलिने, ऑप्शन डी है सौ सूर्य ओबाल्टाटा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेलुम्बो न्यूसीपेरा गैरेटिन। ठीक है, ये आपका लोटस का साइंटिफिक नेम है। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल फ्लावर लोटस ऑफ इंडिया और नेलुम्बो न्यूसीपेरा गैरेटिन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल ट्री बनियान ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल ट्री बनियान ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए फिकस बेंगा हालेनेसिस, ऑप्शन बी है आजादी राजचता इंडिका, ऑप्शन सी है टेकोना ग्रैंडिस, ऑप्शन डी है एंथोसेफलस इंडिकस। तो आपका 13 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिकस बेंगा लेनिस। ठीक है, तो फिकस बेंगा नेसिस। ठीक है, तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल ट्री बनियान ऑफ इंडिया, तो फिकस बंगाल एनेसिस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्रूट मैंगो ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्रूट मैंगो ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए मैग्नीफेरा इंडिका, ऑप्शन सी पायरस मलुस, ऑप्शन सी मूसा पैराडिसिका, ऑप्शन डी सीडियम गुआ जावा।
चौथा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैंगनीफेरा इंडिका। द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्रूट मैंगो ऑफ इंडिया मैंगनीफेरा इंडिका। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपका चैप्टर नंबर 29 पढ़ेंगे मिसेलेनियस, ठीक है, जो भी आपका लास्ट है ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।